अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 5 बज रहे और आज मैं जाने वाला हूँ साइकिलिंग के लिए इगतपुरी। साइकिल चला के नहीं जाऊँगा, साइकिल को गाड़ी पे डाल के लेके जाऊँगा और फिर वहाँ पे साइकिल चलाऊँगा इंशाल्लाह। अब साइकिल को मैं कार के पीछे हैंग करूँगा, उसके लिए मेरे को कार में से कैरियर निकालना पड़ेगा। कैरियर भी अभी नया नया लिया मैंने, तो अभी तक ट्राई नहीं किया, तो आज उसकी टेस्टिंग भी हो जाएंगी। ये है वो कैरियर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइकिल बैठ गई कैरियर के ऊपर और बिल्कुल फिट बैठी है, इंशाल्लाह नहीं गिरेंगी। और सेफ्टी के लिए एक रेड लाइट लगा दूंगा मैं, जो कि फ्लिक करेंगी ऐसे, तो इंशाल्लाह पीछे से आने वाली गाड़ी को समझेगा कि इधर साइकिल है। 6:30 हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल भी मेरी फिक्स हो गई। अच्छा गुमान है कि गिरेंगी नहीं और मैं खैरियत से पहुंच जाऊंगा। अब दिन भी निकलने लगा है और मैं करिश्मा ढाबे तक आ गया। एक बार वहां पे रुका के चेक कर लेता हूं कि क्या कंडीशन है साइकिल की। ठीक ही होंगी क्योंकि कुछ लूज होने जैसी आवाज़ नहीं आई मेरे को, अभी तक सब फिक्स है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ मेरी आवाज़ बैठ गई और क्या हो गया, तो करिश्मा ढाबा बस आ गया यहाँ पे। मैंने सोचा था लाइट बंद हो गई, जब भी मेरे को लगा थोड़ा साइकिल, लेकिन सही लग रही है, हिली नहीं ज़रा भी। ये एक्स्ट्रा चद्दर मैंने डाला था कि गाड़ी पे स्क्रैच ना आए, वो भी अपनी जगह पे है। ये यहाँ पे ना नट टच हो रहा था, तो यस अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। और अब 7:50 कम है, सूरज भी निकलने को है और इगतपुरी अभी यहाँ से 30 किलोमीटर रह जाएगा, तो 30 किलोमीटर को मुझे आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा। इगतपुरी में मेरा एक दोस्त है हैदर, तो हैदर को मैं कॉल करूँगा इगतपुरी पहुँच के और कार उसके घर के पास कहीं पार्क करूँगा, तो कार भी सेफ रहेगी और फिर मैं वहाँ से जा सकता साइकिलिंग के लिए। अभी तक मैं इगतपुरी ऐसे कभी गया नहीं, तो आज इंशाल्लाह साइकिल पे थोड़ा इगतपुरी एक्सप्लोर करूँगा और फिर कोई दिन घर पे से साइकिल लेके इगतपुरी तक जाऊँगा। वैसे है कुछ 40-45 किलोमीटर ही, लेकिन उसके लिए पूरा दिन चाहिए। आज भी दिन है, आज जुम्मा है, इसके लिए मैं जल्दी निकला ताकि जुम्मा से पहले वापस आ जाऊँ। और मेरे को ये कैरियर भी चेक करना, साइकिल राइड पे जाने वाला हूँ मैं और साइकिल वहाँ से वापस भी लाना है इंशाल्लाह, उसके बारे में आगे कभी बात करूँगा। अभी थोड़ी देर में घोटी आ जाएंगे और घोटी उतर के फिर इगतपुरी है। जल्दी निकलने के चक्कर में कुछ खाया नहीं मैंने, खजूर और
ये लाइट का क्या मसला है क्या मालूम, ये बंद हो जा रही, शायद चार्जिंग नहीं है इसके अंदर। ये इगतपुरी का पहाड़ है और यहाँ पे थोड़ा भी बादल है, हर जगह धूप रहती है लेकिन यहाँ पे हमेशा बादल ही रहते हैं। अभी थोड़ी धूप आ गई है। इगतपुरी पहुँच गया हूँ मैं और अब हैदर भाई को कॉल करके पहुँचता हूँ उनके लोकेशन पे, यहाँ से करीब में ही बता रहे हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, सो रहे थे? बोलो मैं यार ये लोकेशन जो तुमने बताए थे वहाँ पहुँच गया अभी। गाड़ी कहाँ पे लगाओ यहाँ पे? ये अंदर जो रोड गया है ना, हाँ, वो रोड से अंदर आके पीछे का गेट है बंगले का, पीछे अच्छा बैक साइड में वो गेट के पास लगा दो। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लग गई मेरी। हैदर भाई ऊपर से आके मेरे को बता के गए गाड़ी किधर लगाने का था। अभी मैं साइकिल निकालूंगा और जाता हूँ अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, वालेकुम खैरियत? भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमको सुबह सुबह उठा दिया मैंने। नहीं कोई नहीं। देखो अभी यहाँ गाड़ी लगा दिया मैंने। हाँ मैं बहुत लेट निकला, मतलब जल्दी निकला, आया वो तारा आराम से। तो हाँ देखता यार, अभी फर्स्ट टाइम मैंने ये कैरियर खरीदा था तो चेक करने का था मेरे को। अच्छा। कैसा बैठा है? अल्हम्दुलिल्लाह हिली नहीं साइकिल बिल्कुल भी। ये तुम्हारा घर है? हाँ अच्छा माशाल्लाह, अच्छा घर है। तो कैसी है अभी तबीयत? ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा है, पैर दुख रहा है थोड़ा। पैर में मसला है? हैदर भाई का पैर क्यों मोच आई थी ज़रा बताओ। ट्रैकिंग की वजह से। हाँ ट्रैकिंग पे गए थे तो इनके पैर में मोच आ गई, नहीं तो आज अपने साथ आते थे साइकिलिंग पे। तो मैं अभी अकेले मेरी जाऊंगा अभी। साइकिल देखी उधर, अच्छा तुम्हारी अंदर मेरी है गेट से साइकिल? दिखेगी। ये हैदर भाई की हरक्यूलिस। तो अभी मैं किधर जाऊँ हैदर भाई? मैंने वो देखा था रेलवे डैम है यहाँ पे। हाँ रेलवे डैम पे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे। हाँ चलो देखता हूँ मैं अभी, उतारता साइकिल। चलो हैदर भाई के घर पे से मैं निकल गया। भाई ने रुका लिए थे मेरे को चाय पीने के लिए और बैठे बैठे बात करने लगे हम लोग, तो 9 बजा दिया मैंने। अभी मैं उनके घर पे से निकल गया और पहले मैं जाऊंगा रेलवे डैम और फिर वहां से और देखते कहां का जाना है आज। ये मेरे राइट साइड में इगतपुरी स्टेशन है और आगे से लेफ्ट में रेलवे डैम जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ से ऊपर अभी मेरे को जाना है वो चढ़ने वाला रास्ता। अच्छी चढ़ान है। रेलवे डैम इतना दूर नहीं है यहाँ से, 2-1 किलोमीटर ही है। और उसके अतराफ में अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पे मैं घूम लूँगा थोड़ा। ये सर बड़ा पड़ा है। हाँ और ये सर छोटा है। ये कितना किलोमीटर होगा? ये रेलवे का ही वाला। अच्छा पास में, पास में ही है ना? ना अच्छा चलो शुक्रिया। करीब में ही है रेलवे का डैम। If you wanna cry, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love, Robbie. I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. यार इतना stunning view है इधर। अभी के time में तो बारिश में क्या ही scene रहेगा। इंशाल्लाह बारिश में मैं जरूर आऊँगा इधर, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मस्त इधर सामने की तरफ पानी है, ये डैम है रेलवे डैम। मैं थोड़ा आगे से घूम के आता हूँ, देखता हूँ और आगे क्या क्या है, उसके बाद वो डैम के पानी के पास जाऊँगा। यहाँ पूरा दिन घूम सकता मैं साइकिल पे या पैदल भी, बोलो सुकून है क्योंकि। Cause I can see the sun light up the sky. Pray that your help will soon arrive, Robbie. अब ये सामने मेरे एकदम खड़ी चढ़ान है, इसको मैं फर्स्ट गियर में चढ़ाऊंगा ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट गियर से
फर्स्ट गेम में इजी है नहीं है। अरे बाप रे यल्ला आगे पीछे के दोनों गियर मेरे फर्स्ट में चढ़ रही है साइकिल धीरे धीरे। नहीं चढ़ा सकता ऐसा, मैं बताता साइकिल भी खड़ी नहीं हो रही, इसको ऐसे खड़े करना पड़ा। या अल्लाह ये रास्ता बिल्कुल दो पहाड़ों के बीच में से है। हाँ so many more will judge me, I can see clearly, I can run. Oh, oh, I said, ooh, your word I would recite, so I can sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. ये जो सामने दोनों पहाड़ों के बीच में गैप है ना, मैंने अभी उसको क्रॉस करके यहाँ तक आया। मैं पहाड़ के उस साइड था, वहाँ बीच में से जो रास्ता था उसको क्रॉस करके ये रास्ते से अभी यहाँ पर आया। और ये रास्ता भी और सीधा रेन फॉरेस्ट रिसॉर्ट जाएगा और वहाँ से मुंबई नासिक हाईवे पे लग जाएगा। ये रास्ते पे मैं इंशाल्लाह फिर कभी आगे जाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल वापस अपने कार की तरफ जाने वाला हूँ, इगतपुरी स्टेशन के पास। बीच में जो रेलवे डैम था वहाँ पे थोड़ा रुक जाऊँगा और फिर वहाँ से वापस। अभी साइकिल उतारने तो बहुत मज़ा ही थी, लेकिन अब चढ़ाने को जान निकलेंगी। क्या थोड़ा रहता तो चला लेता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। उतना तो चढ़ा लिया मैंने, इतना नहीं चढ़ेगा भाई। चाहूँ तो मैं पैडल मार के चढ़ा सकता हूँ साइकिल, लेकिन क्यों, थोड़ा चल के भी देख लेंगे घाट में। हाँ ओए इफ यू वांट टू क्राई हैव बीन ऑन माय हंट फॉर लॉन्ग एनफ मेबी यू कैन शो मी आउट ऑफ लव रॉबी I'm going through your troubles. You don't even have to do too much. You can make me whole without a touch, Robbie. I look around and I'm feeling cold and empty. So many more will judge me. I can see clearly, I can run. Oh, oh, I said, ooh, your word I would recite. So I can sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. वो सामने डैम का पानी है, रेलवे डैम है वो, अभी वहाँ जाके देखते। इधर से रास्ता है कि नहीं क्या मालूम। Thank you.
run out of time. Cause I can see the sunlight up the sky. Praying that your help will soon arrive. Robbie. Oh. चलो अब 11:15 हो गए यहाँ से नासिक जाने में को, और नमाज से पहले पहुँचना है, जुम्मा है आज तो इंशाल्लाह अगली बार अब डायरेक्ट साइकिल से यहाँ पर आऊँगा मैं, और बारिश में तो ज़रूर आऊँगा क्योंकि अभी ये जगह इतनी अच्छी लग रही, तो बारिश में इंशाल्लाह और भी अच्छी लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लान किया था मैंने यहाँ पर आने का वो पूरा हो गया, और सेफली साइकिल यहाँ तक लेकर आ गया, साइकिल घुमा भी लिया मैंने, अब वापस जाना है मेरे को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट साइकिल से यहाँ तक आऊँगा। This time I said, ooh, your word I would recite, so I can sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust.